पा रहे हैं। आज फिर एक बार हार हो गई। या तो इन लोगों को फांसी दी जाए या तो इन लोगों को दौड़ा करके गोली मारी जाए। वाकई में ये मुद्दे जो हैं जिस तरीके से हो रहे हैं, एक के बाद एक लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, नतीजे पे पहुंचते भी हैं, लेकिन लगता है फिर सवाल यही उठता है कि क्या किया जाए। वाकई में कल 4 आरोपियों को मारा गया और दिल में खुशी थी, तो सोचिए इनकाउंटर में हम अपनी खुशी तलाश रहे हैं और फिर रात होते होते एक घटना ऐसी घट गई कि जो जीना चाहती थी लड़की, कि मैं जीना चाहती हूं, उसके बावजूद वो जंग हार जाती है। अब क्या करें, किसको सही ठहराएं? न्याय की व्यवस्था पर हम संयम रखें और विश्वास रखें, या फिर हम कहें कि ऐसे कई और एनकाउंटर की जरूरत है, ये आज समय की जरूरत बन चुकी है, क्यों हम गलत ठहराएं ऐसे एनकाउंटर को? हालांकि किसी भी सभ्य समाज में इस तरह के एनकाउंटर को सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं कहने को मजबूर हूं कि शायद इस तरह के कई और एनकाउंटर्स की जरूरत है, तभी जाके हालात सुधरेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट पैनलिस्ट हैं उससे आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूं। बीजेपी के नेता शिवम त्यागी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कांग्रेस के लीडर मनोज तिवारी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, शकील चौधरी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पवन सोम राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भाजपा के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और प्रियंका राणा सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका, कल जो दो तरह की खबर आई, सुबह जब खबर आई और कल मैंने डिबेट में भी पूछा था, पहला रिएक्शन क्या था? छोड़ दीजिए कि एनकाउंटर सही है गलत है फेक है, क्या उठा फर्स्ट रिएक्शन कल जो खबर आई थी 4 आरोपियों को मारने को लेकर, और रात में जब ये खबर आई, दोनों के फर्स्ट रिएक्शन में पहले आपसे चाहूंगी एक महिला होने के नाते। देखिए, सुबह से ही कल मैं चैनल्स के डिबेट्स पे थी और मैंने दिल से सलाम किया था उन पुलिस ऑफिसर्स के लिए जिन्होंने ये काम करके दिखाया, क्योंकि ये गुस्सा था, ये हम जो मजबूरी है ये निकल रही थी लोगों की, क्योंकि हम लोग थक चुके हैं, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे से तीसरे दरवाजे, हर रोज बलात्कार, हर आधे घंटे में एक बलात्कार। आप उस महिला का दर्द समझ सकते हैं जिसके साथ शारीरिक बलात्कार तो सिर्फ एक बार होता है, लेकिन मानसिक बलात्कार हर रोज होता है, कोर्ट में होता है। एक माँ उसको सोची, आप 2012 में निर्भया का केस हुआ था, उनकी माँ को मैं सुन रही थी, उनकी माँ और पिताजी दोनों वो इतने खुश थे, वो कहते हैं कि जो दर्द हमने सहा, कम से कम वो ये जो हैदराबाद में हुआ दिशा के माँ बाप नहीं सहेंगे। तो आप समझ सकते हैं किसी को मरता हुआ देख के, ये कह रहे थे कि दिशा लकी है, बताइए मौत हो जाती है, दुर्भाग्य है। देते हैं और कहते हैं कि नहीं, इंसाफ के मामले में, मतलब हम इतने थक चुके हैं, हमें लगता है कि सिस्टम फेलियर है पूरी तरह से, कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए फर्स्ट रिएक्शन सबका यही था फर्स्ट रिएक्शन की जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, फिर दूसरा थॉट, ये सेकेंड थॉट ही आया कि क्या यही एक उपाय है। लेकिन रात होते होते जब ये खबर आपने सुनी कि एक पीड़िता जो है वो जंग हार गई और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि वो जीना चाहती थी, वो चाहती थी कि मेरे गुनहगारों को फांसी की सजा मिले और मैं देखूं, क्या रिएक्शन था? नहीं, आप ये देखिए, कल मैं पूरा दिन डिबेट में रही और मैंने जो कानूनी सलाहकार थे उनकी भी बातें सुनी, कल काफ़ी डीजी और पूर्व आईएएस ऑफिसर भी मेरे साथ बैठे हुए थे और वो लोग कह रहे थे कि कानून के खिलाफ है, कोई भी जो मासूम है या बिना उसके एविडेंस के आप इस तरह से मार नहीं सकते हैं। मुझे आप बताइए, कल एक मासूम लड़की जला करके मार दी जाती है, क्या वो मासूम नहीं थी? क्या वो जीना नहीं चाहती थी? तो आज जो एनकाउंटर हुआ है वो बेबस हैं हम लोग, क्या करें? जो जालिम लोग हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका वध ना करें तो क्या करें? अगर आज मैं एक माँ होने के नाते, एक महिला होने के नाते, अगर आज मुझे कोई ये पावर देता है या मुझे मेरे सामने कुछ ऐसी घटना होती, सबसे पहले मैं ये नहीं सोचूंगी कि कल को मैं फांसी पे चढ़ूंगी कि नहीं चढ़ूंगी, सबसे पहले मेरे हाथ में जो हथियार होगा मैं उस आदमी का वध करूंगी जो महिला को बुरी नजर से देखता है। शिवम त्यागी और मनोज तिवारी मुझे लगता है दोनों सुन रहे होंगे, क्योंकि देखिए ये मैटर ऐसा है ना सर, किस पे राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और देश की आधी आबादी 130 करोड़ की जनता कहते हैं सर, इन्हीं के सामने हाथ फैलाते हैं कि लोकतंत्र है, आप हमें वोट कीजिए, सत्ता पक्ष विपक्ष और दोनों का अहम रोल रहता है। मैं नहीं मानती हूं कि सत्ता पक्ष जो है, हाँ उनके हाथ में ज्यादातर चीजें होती हैं, लेकिन विपक्ष का भी एक रोल होता है, चौकीदार का, काउंटर करने का, बार बार सवाल पूछने का। देख रहे हैं एक गम
एक यहाँ बैठी एंकर महिला का गम, एक प्रियंका जैसी सामाजिक कार्यकर्ता का, मतलब हम इतने निराश हो चुके हैं कि पिस्टल उठाने को, कुछ लोग तो मुझे कह रहे हैं मेरी मुहिम के लिए कि फूलन देवी बन जाओ। मैडम फूलन देवी बन जाइए, अपने साथ हथियार रखिए, अपने साथ तेजाब रखिए। क्या क्या बनाना चाह रहे हैं सर? मनोज तिवारी, ये जो आज हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, अच्छा लग रहा है सर कि आवाज़ तो उठी, लेकिन ये क्या नहीं होना चाहिए था? मऊ, टोंक, मालदा, हैदराबाद, आज प्रियंका पहुंच रही है, अनु दुबे से मिलने पहुंची नहीं, तो ये ड्रामा नहीं है तो क्या है? श्वेता जी, मुझे लगता है आपने इशारा मेरी तरफ किया, मैं आपको उसका जवाब देता हूं। लोकतंत्र में राजनीति किया किस लिए जाता है? जनता की आवाज को उठाने के लिए। आज उन्नाव की घटना घटी है, प्रियंका गांधी वहां गई है, इसमें तकलीफ क्या है? प्रियंका गांधी को जाना चाहिए, पूरे कांग्रेसी कार्यकर्ता को नहीं, हर सामाजिक कार्यकर्ता को, हर राजनीतिक कार्यकर्ता को आज सड़क पर होना चाहिए। मुझे तो अफसोस है कि अगर ये बार बार कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी क्यों पहुंची हैं, मैं तो कहता हूं जिन लोगों को भी राजनीति करने की तमीज और तहजीब हो, जिनको सामाजिक सरोकार हो, उनको सड़क पर उतरना चाहिए। ये घटना जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, आज हर 8 दिनों पे घटना होती है। आवाज उठाई प्रियंका गांधी ने, इसने गुनाह क्या कर दिया? पहले मुझे याद नहीं आ रहा है, करेक्ट कीजिए, आज तारीख क्या है आप बताइए? तारीख नहीं, क्या नहीं, आज तारीख क्या है? आज 7 तारीख है, आज 7 तारीख है। आपको हैदराबाद का कांड याद है? मुझे लगता है प्रज्ञा को लेकर, एक मिनट सर, साध्वी प्रज्ञा को लेकर, साध्वी प्रज्ञा को लेकर संसद में उस दिन गोडसे और गांधी की विचारधारा पर पूरे संसद में हंगामा हो रहा था, और यहाँ बैठे मैं पूछ रही हूँ, नहीं तो मैं पूछ रही हूँ सर कि 27 नवंबर 28 नवंबर को घटना घटी, क्या कहा प्रियंका गांधी ने ये बताइए पहले मुझे। मैंने नहीं कहा कि प्रियंका गांधी को जाना नहीं चाहिए, मैंने बोला आज क्यों? अन्नू दुबे जब बाहर बैठी थी तो प्रियंका गांधी कहां थी? कहां थी प्रियंका गांधी? श्वेता जी, मैंने आपकी बात सुनी है, मैं आपको पूरी शालीनता से इस बात का जवाब दे रहा हूं। आज घटना उन्नाव की है, इसके पहले घटना हैदराबाद की थी, हैदराबाद की घटना है, उसके बावजूद भी बजाबते राज्यसभा में कांग्रेस के लोगों ने इस पर चर्चा की, आवाज उठाई। हमारा कार्य क्या है? हम राजनीति में है, हम विपक्ष में है, हम सरकार से सवाल पूछेंगे, सरकार के क्रियान्वयन पे सवाल उठाएंगे, बोलेंगे कि आपको ये करना चाहिए। हैदराबाद के परिप्रेक्ष्य में प्रियंका रेड्डी की घटना में जितना भी हो सकता था हम लोगों ने किया। उसके बाद जहां तक सवाल है उन्नाव की घटना, हर 8 दिन पे घटना हो जाती है। आपको याद होगा कि उन्नाव के घटना में जब मृतका है उसके मृत्यु के पहले भी प्रियंका गांधी ने बताया था, बोला था आखिर बेल मिला क्यों बेल दिया गया, और बेल देने के बाद आपको पता है कि ये बहुत संगीन किस्म का अपराध था और बहुत संगीन अपराधी थे, उसके बावजूद भी अपराधियों को बेल दिया जाता है, खुली छूट दी जाती है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बन चुका है जहां हर रोज इस तरीके की घटनाएं होती हैं, और उस घटनाओं पर अगर कांग्रेस कहती है कि इसके खिलाफ आवाज उठाती है तो सारे लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। केवल उत्तर प्रदेश में ही घटनाएं हो रही है सर, केवल घटनाएं जो है यूपी में हो रही है, यूपी की बेटी बेटी, यूपी की महिला, और मैं और प्रियंका जी, ये लोग महिलाएं आप इन्हें गिनती ही नहीं है, आपके वोट बैंक नहीं है सर, शर्म आनी चाहिए, आपके वोट बैंक नहीं है, स्थिति हो चुकी है, आपके वोट बैंक नहीं है, हम इसलिए यूपी में आती है प्रियंका गांधी, यूपी में आती है और कहते हैं कि हमने जो हमने किया के अंदर, अरे छोड़िए सर, ये मुखौटा तमाम राजनीतिक पार्टी के चेहरे से मैंने उतार ना फेंका, चाहे अपने दम पर मुझे अपनी कुर्बानी क्यों ना देना पड़े, लेकिन आप कर रहे हैं शिवम त्यागी, और समाज में अगर किसी जंगल राज है, यूपी में जंगल राज है, मानेंगे आप? धर्म बनता है, बिहार में जंगल राज है, जिस तरीके से कहा जाता था जब लालू का राज था, आप मानेंगे यूपी में जंगल राज है? क्या कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, क्या कर रहे हैं? आपको एक आंकड़े बता देती हूँ सर, उन्नाव में 11 महीने के भीतर कुलदीप सिंह सेंगर की घटना के बाद से 84, और मैं तो 84 कम ले रही हूं, यहां 90 लेके बैठे हैं, लेकिन जो मेरे रिसर्च कहता है 84 से 85 रेप की वारदात हुई है सिर्फ 11 महीने के भीतर उन्नाव में।
शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जंगल राज को भी आप कहते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है। अब आप कहेंगे कि देखिए अखिलेश यादव में तो यहाँ पर्ची लेके बैठी हूँ, पूछूंगी सवाल उससे भी पूछूंगी। तो अगर आपको पता है कि मैं कहूंगा क्या तो फिर मुझे ये पता, देखिए देखिए आरोप मत लगाइए, मेरा वर्जन क्या, पुराना पुराना मत लगाइए, जजमेंट दीजिएगा। नहीं नहीं मैं तो आंकड़े लेके बैठी हूँ, मैं ये बता रही हूँ, जजमेंट दीजिएगा लेकिन सुन तो लीजिए ना, कम से कम इतना तो मौका मिलना चाहिए। नहीं मौका तो बिल्कुल मिलना चाहिए, सिर्फ उन्नाव में है। हाँ ये परेशानी है, हाँ इस सरकार को इस पर और सख्ती से काम करने की जरूरत है, हाँ इस देश में और कोर्ट्स की जरूरत है, लेकिन क्या ये गलत नहीं है कि सिर्फ उन्नाव या फिर सिर्फ आप हैदराबाद पर बात करते हैं और ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी अगर उठा रही हैं तो क्या गलत है क्या? हाँ गलत है साहब, क्योंकि आप सेलेक्टिवली उठा रहे हो, आप राजस्थान को भूल जाते हो, आप वेस्ट बंगाल को भूल जाते हो, आप कहते हैं ना कि हम उठाना चाहते हैं आवाज, सब जगह उठाइए। मैं मान रहा हूं गलती है, मैं मान रहा हूं कमी है, मैं मानता हूं सिस्टम को और ठीक होने की जरूरत है, मैं मानता हूं कोर्ट को और देश की, इस देश को और कोर्ट की जरूरत है, लेकिन एक चीज बताइए, जवाब बोल रहे थे बोला बीच में, आपको मौका मिलेगा मुझे उन्नाव पे जवाब दीजिए, आपको मौका मिलेगा या तो आप बोल दीजिए या मैं बोल दूं, आज घटना उन्नाव में हुई है तो उन्नाव पे जवाब दीजिए ना, साक्षी महाराज क्यों जन्मदिन की बधाई देते हैं एक आरोपी को? अब मैं बोलना शुरू कर दूं मैडम? हां आप बताइए, आप जवाब दीजिए, अब सुन लीजिए, आप कह रही हैं साक्षी महाराज की बात, कल आपने अगर गौर से सुना है समाजवादी के शिवपाल यादव ने कहा है कि इस तरह से तो पुलिस एक दिन हमें भी रिक्रिएशन ऑफ सीन में गोली मार देगी, एक दिन हम भी मर जाएंगे। अगर हुसैन की बात याद हो आपको, जिन्होंने लोकसभा में कहा है कि देखिए ये तो गुंडा राज है, अरे भाई कौन सी तरफ है आप, एक दिन पहले कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट चाहिए, अगले दिन कहते हैं कि यार गोली मार दी तो गलत मार दी। अगर आप मुझे बोलने का मौका देंगी तो ही मैं बोल पाऊंगा, मैं आशा करता हूँ आप अपनी बात करते, मैं अपनी पार्टी के बारे में, अगर आप, हाँ मैं अपनी ही पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आप मुझसे सहमत नहीं है तो आपको आपका टाइम मिलेगा, आप उसमें सहमति असहमति रखिएगा, लेकिन बोलने का मौका दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हाँ इस देश में रेप को लेकर और संवेदनशीलता की जरूरत है, जितनी संवेदनहीनता है वो ठीक नहीं है, सरकारों के काम करने के बावजूद भी सिस्टम अभी कंट्रोल में नहीं है। और आपने जो कहा कि सरकार क्या कर रही है, मेरे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि देखिए किस तरह से आरोपियों को छोड़ दिया जाता है, मनमर्जी चल रही, मैंने छोड़ा कोर्ट, सरकार ने छोड़ा, आदित्यनाथ जी ने छोड़ा, बेल किसने दी उनको, कोर्ट ने दी बेल उनको, और उसके बाद ये हुआ, उसके बाद सारे के सारे आरोपी अंदर है, अब कोर्ट किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, आप कोर्ट को जिम्मेदार ठहराएंगे, जिम्मेदारी किसकी बनती थी सर, कोर्ट से अगर छूट भी गई तो क्या आप अपनी स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे लिया ना उसको कोर्ट ने बेल दिया, अगर कोर्ट को बेल देने के बाद उसे डायरेक्ट अंदर डाल दिया जाता, यही लोग होते जो कहते हैं ये देखिए लोकतंत्र का हनन कर रहे, कौन जला रहा है अंदर है सारे लोग। त्यागी साहब मैं आपको बताता हूँ, सवाल ये नहीं है कि कोर्ट ने उनको बेल दिया है, निश्चित रूप से कोर्ट ने उनको बेल दिया है, सब प्रश्न चिन्ह इस पर नहीं है कि कोर्ट ने उनको बेल दिया है, अभी आपने प्रश्न चिन्ह उसी पर उठाया था, मैं बोलता हूँ मैंने ये बोला कि अगर आपको पता है, सरकार को पता है, पूरे देश को पता है कि जिन लोगों को छोड़ा गया है उन पर बहुत संगीन किस्म के अपराध हैं, तो अगर अपराधी बाहर आए हैं तो कम से कम यह ध्यान में रखना चाहिए था कि किसी कोई दोबारा इस तरीके की वारदात न करे, घटना न करे, इस पर तो जिम्मेवारी राज्य सरकार की बनती है, कोर्ट की जिम्मेवारी, तो जज तो बाहर आके उनके आगे पीछे नहीं घूमेगा, बेल उनका अधिकार है, बेल उन लोगों ने ले लिया, चलिए खुले आम बेल का अधिकार है, अब बेल से आप कहते हैं कि दोबारा से कस्टडी नहीं लिया जाए, शिवम आप ये कहना चाहते हैं कि मैं खुले आम बताता हूं, शिवम एक मिनट मनोज जी एक मिनट, शिवम खुले आम फूफा ने फोन करके चाचा चाची को धमकाया कि तुम्हें उठवा लेंगे, तुम्हारी दुकान ये कर देंगे, तो देखिए डर नहीं है, कानून का डर नहीं है, बचेंगे नहीं आप इससे, बचेंगे नहीं, जिन जिन मुद्दों पर आ रही है ना, कुलदीप सिंह सेंगर और चिन्मयानंद की बात करेंगे, अगर काउंटर करना है ना सर, तो बीच चौराहे खड़े करके गोली मार दीजिए, देखिए गोली मार दीजिए, अगर यही सही लगता भागेगा पुलिस से तो भगवाइए ना सर, सीन रिक्रिएट करवाइए रिक्रिएट एनकाउंटर होगा, अस्पताल में यही तबियत खराब हो जाती है, इनकी तबियत खराब हो जाती है, इन्हें बिठाते हैं शकील चौधरी, पकड़ नहीं पाए, देश में क्या है, बराबर की सारी विपक्ष पार्टियां कह रही है, पवन सोम, पवन सोम आपने दोनों पार्टियों को सुना, आपने दोनों पार्टियों को सुना, अभी क्या लगता है सर, पहले तो रिएक्शन जानना चाहूंगी, आप किस तरफ है, क्या लगता है आपके आपके दिमाग में क्या चल रहा है, देखिए पार्टी लाइन एक अलग होती है लेकिन कई बार अंदर तक झकझोरती है ना ऐसे सोशल कॉज की घटना, तो हम सोचते हैं कि देखिए पार्टी लाइन तो है लेकिन ये यार होना चाहिए, और ये मुझे लग रहा है कि दो देश की बड़ी पार्टियां रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई है। करेक्ट,
आजकल जैसे आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से रेप कांड जो है वो दिन प्रतिदिन हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं, आज माहौल ये हो चुका है कि सरकारें जो हैं उन पर कार्य करने के बजाय जब उस पर पुलिसिंग के थ्रू उनको गोली मार दी जाती है तो यहाँ की जनता उसके ऊपर मिठाइयाँ बांटती है, उन पुलिस वालों के ऊपर फूल मालाएँ फेंकती है। तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ पूरी तरह से जो आपका जुडिशियल सिस्टम है उसके ऊपर से सरकारें जो हैं उनके ऊपर से भरोसे उठ चुके हैं। आम आदमी को अब सड़कों पर आकर ये देखना पड़ रहा है कि हमें किसी रेप पीड़िता के जो अपराधी हैं लोग उनको किस तरह से मार दिया जाए, या तो उनको पुलिस मार दे या तो उनको पब्लिक मार दे। 27 साल पुराना केस भी चल रहा है, भवरी देवी कांड अगर आपको याद होगा तो 60 साल हो चुका, दो खुद अपनी मौत मर चुके और इंसाफ नहीं हुआ। ऐसा इंसाफ किस काम का? कल खुद पुलिस वाले ये ट्वीट कर रहे हैं, आईपीएस अधिकारी ये ट्वीट कर रहे हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरीड। खुद आईपीएस अधिकारी, ये महिला आईपीएस अधिकारी जो है वो ट्वीट कर रही हैं। अगर इस तरह से आप समझिए दर्द को कि अगर इस तरीके से लिखा जा रहा है, द सेलिब्रेशन आफ्टर द एनकाउंटर इज अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ आवर कंट्री क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इज नीड ऑफ द आवर। कौन लाएगा ये, कौन लाएगा? शकील चौधरी, देखिए रेप की घटनाओं का मामला आज से नहीं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जमाने में एक बहुत ही प्रसिद्ध केस रहा था रंगा बिल्ला का। उन्होंने एक भाई और बहन को किडनैप किया, उसकी बहन को उसके सामने रेप किया। उस घटना को लेकर के पूरे देश में माहौल काफ़ी गर्म हो गया था। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह उनके घर पर गए, पीड़िता के पिता को आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का उस समय टाइम ऐसा जमाना नहीं था, लेकिन फिर भी उनको जल्द से जल्द फांसी की प्रक्रिया पर फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन अब अखिलेश सरकार में, अभी अखिलेश सरकार को गए हुए काफ़ी समय नहीं हुआ है, लेकिन 32,000 के आसपास उस सरकार में रेप की घटनाएँ हुई। लेकिन अब तो ये आंकड़ा और भी आसमान छू रहा है रेप की घटनाओं का। एडीआर की रिपोर्ट है कि 42,000 रेप हुए हैं योगी सरकार। शकील जी, ये कहीं ना कहीं यही दिखाता है, हम केवल यूपी, क्योंकि आज उन्नाव केस है तो हम यूपी की बात कर रहे हैं इसलिए फोकस्ड है। उन्नाव के अकेले 11 महीने में उन्नाव के अंदर 90 एडीआर की रिपोर्ट है कि 90 रेप की घटनाएं हुई है। तो इसका मतलब तो चीजें ये है ना कि पूरा सिस्टम जो है वो फेल है। आप इस मतलब या तो उपभोक्ता की चीज मानते हैं, आपके अंदर दिल में आप बोलते कुछ हैं लेकिन आप यही सोचते हैं कि कमोडिटी की तरह है एक फीमेल, एक अगर हो गया तो क्या हो गया। खुद जब कहते हैं मुलायम सिंह, माफ कीजिएगा यहां कोट करना पड़ रहा है क्योंकि सपा का ड्रामा भी देख रही हूं, कि लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, सबको वो स्टेटमेंट याद होगा, लड़के हैं गलतियां हो जाती है। जी हाँ, लड़के हैं गलतियां हो जाती है। आज नीड ऑफ द आर है कि लड़कों पर ध्यान रखिए कि लड़के हैं, तुमसे गलती कैसे हो गई, तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम, ये हमारा धर्म यही पढ़ाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनो, तुम ये तो कायरों का काम है। और हम अपने बिल्कुल धर्म से भी विपरीत जाके हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये मैं तो कहती हूँ, सरकार ही नहीं, विपक्ष ही नहीं, तमाम राजनीतिक गिन लीजिए, गिनती भर के नेता हैं ये लोग, ये सिर्फ इसलिए राज कर रहे हैं क्योंकि हम जैसी जनता जो है ना वो घर पे जाके सो जाती है कि जान दो भाई, करने दो राजनीति। सुनील कौशिक, कल भी आप बैठे थे सर, कल फर्स्ट रिएक्शन पूछा था, बहुत खुशी थी, लेकिन उस समय भी आपने कहा कि हाँ आपको भी खुशी हुई, आपकी बीवी ने आपने जिक्र किया किस तरीके से आके बताया, आपको विश्वास नहीं हुआ। रात में जब सुना तो सर क्या आपको लगा? मैं तो नहीं सर, मैं लिटरली बताऊं, आप मेरा ट्विटर उठाकर देख लीजिए और मेरा व्हाट्सएप चेक कर लीजिए स्टेटस, मैं रात भर नहीं सो पाई। खबर आई उसके बाद से ऐसी व्यथा लग रही थी कि हम कर क्या रहे हैं, हम समाज किस ओर जा रहा है, क्या मैं वेट करूं कि किसी दिन मुझे केरोसिन डाल के जला दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल श्वेता आप ठीक कह रही हैं। और रात को जब ये समाचार सुना वास्तव में सारे लोग स्तब्ध थे, और शाम को जब डॉक्टर का बयान आया कि जब उनकी बयान लिए जा रहे थे इलाज के समय तो वो किस तरीके के भाई को पुकार रही थी, किस तरीके से वो कह रही थी कि उनको मत छोड़ना, ये वास्तव में भावुक करने वाले क्षण थे। निश्चित तौर से वो न्याय की गुहार करते हुए ऊपर गई है, और ये समाज को एक बार सोचना पड़ेगा कि आखिर में समाज जा कहाँ रहा है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि बैठे हैं एक दूसरे को आरोप लगा रहे हैं,
उनको आईना दिखना चाहिए कि संसद में आज 19 सांसद ऐसे हैं जो वास्तव में महिलाओं से संबंधित क्रिमिनल केस में हैं, जिसमें 10 बीजेपी के और 5 कांग्रेस के सांसद हैं। क्या वास्तव में उनको निकालना चाहिए पार्टी से, बर्खास्त करना चाहिए उनको, बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, क्या इन पार्टियों को नहीं दिखता? दूसरी बात, 3 सांसद तो ऐसे हैं जिन पर रेप के केस हैं, वो भी आज संसद में बैठे हुए हैं। मायावती जी का बयान मैं कल से देख रहा हूँ, 2-3 दिन से ट्वीट कर रही हैं, उनका सांसद एक रेप में आरोपी है, वो भी संसद में बैठे हुए हैं, वो भी भगोड़ा है इस समय। तो आखिर में आप किस मुँह से इस ऐसे मामलों के आरोप को खंडन करते हैं, किस तरीके से आप ऐसे जो घटनाएं होती हैं उनको सामना करने के लिए आप कैसे चैनलों पर, कैसे अखबार में आप आते हैं? दूसरी बात, देखिए आज प्रियंका गांधी वहाँ गई हैं, पिछले दिसंबर की घटना थी, 3 महीने बाद मार्च में जाकर के FIR होती है, उसके बाद तमाम अखबारों में ये चीज़ें निकलती हैं। क्या उन जिलों में उनके पार्टियों के जिलाध्यक्ष नगर अध्यक्ष नहीं होते क्या? वो पार्टी के नेताओं को अवगत नहीं कराते? फास्ट ट्रैक कोर्ट से सुनवाई हो और अगर फांसी पे लटकाना है तो लटकाओ। बोलने की गट्स तो रखी, जमीर तो मारा नहीं कम से कम, बोल तो दिया, पार्टी जो कार्रवाई करे करे। शिवम, बोलेंगे आप 10 सांसदों के बारे में? एकदम होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। रेप के साथ कौन खड़ा हो सकता है या रेपेस के साथ कौन खड़ा हो सकता है? कार्रवाई होनी चाहिए, है सर। उनको जो भी सजा एक आम आदमी को मिलनी चाहिए उनको भी मिलनी चाहिए, कोई दो राय नहीं है इसमें। आपके 10 सांसद संसद में बैठे हुए हैं बीजेपी के, तो क्या कोई एक्शन लेंगे? पार्टी एक्शन लेगी? बिल्कुल, उनको भी फास्ट ट्रैक में डालकर सबसे पहले होना चाहिए। आखिर में कब? देखिए, मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं, मैं कोई मंत्री नहीं हूं, मैं कोई मुख्यमंत्री नहीं हूं, लेकिन मैं आपको कहकर आप जैसे अगर आप बीच में बोलते रहेंगे तो कैसे चलेगा? आपको जवाब देने का मौका मिलता है ना, दीजिए उस समय पर। मैं क्या कहता हूँ, बिल्कुल होना चाहिए पब्लिक का, बाद में फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाले, पहले उनका फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाले और डिसीजन कराए और सजा मिलनी चाहिए उनको। तो किसने रोका है शिवम, किसने रोका है? देखिए, मैं सेंगर का मामला कब से है, कब से आप जान रहे हैं? सेंगर के मामले में लगातार सेंगर जेल में, चिन्मयानंद ने तो खुद गुनाह कबूल किया, चिन्मयानंद ने खुद मामला सौंप चुके हैं सारी चीजें जितनी भी मामले। अरे सर, ये जो होता है ना सर, कि बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में है और इस पर है और तारीख में भी कोर्ट का हाथ है। आपका जब नंबर आता है तब उस पर तारीख हो जाती है, तब उसके ऊपर बेल हो जाती है और आम आदमी पे तारीख नहीं होती। और आप कहते हैं कि निर्भया के केस में 6 साल हो गए, आपके केस में भी 6 साल हो गए, तो गलती आपकी है। अगर किसी कांग्रेस के स्टेट में ये होता है तो आप वहां पर जाके अपनी प्रतिक्रिया। मैं तो कहता हूं हर किसी केस पर उठना चाहिए, इसमें कांग्रेस बीजेपी की जरूरत ही नहीं है, पार्टी के अंदर बिल्कुल जरूरत नहीं है। रेप के मामले में चाहे कांग्रेस रूल स्टेट हो, चाहे बीजेपी रूल स्टेट हो, चाहे कोई और पार्टी वहां पर राज करती हो, सबके लिए बराबर उतना ही आउटरेज होना चाहिए। अगर कुलदीप सेंगर के लिए 500 डिबेट हुई है तो अतुल राय के लिए भी 500 डिबेट होनी चाहिए। अगर अतुल राय के लिए 500 डिबेट हुई है तो भवरी देवी के केस में बनाए गए विधायक के ऊपर भी भारत ने डिबेट होना चाहिए। सबके ऊपर बराबर डिबेट होना चाहिए और सबको बराबर कटघरे में खड़ा करना चाहिए। हो चुकी है, पार्टी का नाम बदल करके बेटी जुडिशियल आरोपी है, राज्य की सरकार को 1022 कोर्ट बनाने के लिए पैसा दिया गया, अखिलेश सरकार को भी दिया गया। पूछो जरा कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए लड़ने के, आपको रिव्यू करना चाहिए और निर्णय को आपको बनाना चाहिए। राज्य की भी जिम्मेदारी होती है कि नहीं, आप कह दीजिए, नहीं तो आप कह दीजिए कि राज्य हमसे नहीं चलता, वो भी सेंटर ही चला ले। अभी जम्मू कश्मीर सब चला लीजिए, सब चला लीजिए शिवम, ऐसे ही चलाइए, ऐसे ही चलाता जाइए। जनता जो है भड़क रही है, बनाने के लिए पैसा दिया गया, पूछिए कितनी बनाई है। निर्भया फंड के लिए भी पैसा दिया गया, इस्तेमाल कहाँ हुआ? पैसा पूछिए कितना शिवम, पैसा इस्तेमाल कहाँ हुआ है? केंद्र सरकार ने आगे कानून बनाया। अरे शिवम जी, पार्टी ने रटा रटाया बयान दे दिया और वही आके आप बोल रहे हैं। चाहता हूँ कि मैं एक एक को जवाब दूँ। नहीं नहीं, चलिए आप मेरा जवाब दीजिए। आप मेरा जवाब दीजिए। श्वेता जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं डॉक्टर कौशिक साहब ने जो कहा है, पहली बात तो मैं ये मुझे समझ में नहीं आती है कि भाजपा कहती है या जो भी राजनीतिक दल है, मैं कांग्रेस भाजपा सबको लेके कहता हूँ, मैं भी कांग्रेस से हूँ मैं, लेकिन राजनीतिक दल के संदर्भ में आपने बात कही। दलों को अगर ये पता है कि कोई भी व्यक्ति अगर रेप के केस में अभियुक्त है या उस पर रेप का मामला चल रहा है या वीमेन एट्रोसिटीज का मामला चल रहा है तो उसको टिकट दिया ही क्यों जाता है? उसको टिकट देना ही नहीं चाहता। अगर आप ये तो आपसे पूछ रहे हैं, नहीं नहीं, ये तो सुनील कौशिक आपसे पूछ रहे हैं। मैंने पहले भी बोला है, मैं पहले भी देखिए, मैं 88 थे सर, 88 प्रत्याशी थे, दल की बात नहीं है, आप बात नहीं है। मैंने बोला, मैंने स्पष्ट बोला, आप क्या चाहते हैं, आप रूलिंग पार्टी हैं, मैं रूलिंग पार्टी नहीं हूं।
आप रूलिंग पार्टी वो क्वेश्चन नहीं हूँ। आपको देखिए ये मैंने बोला, मैंने किसी राजनीतिक दल के लिए बोला है। किस बात की प्रशंसा? प्रशंसा इसलिए करनी चाहिए। किस बात की? दे रहा दुरुस्त है, दे रहा दुरुस्त है। मैं बताता हूँ आपको किस चीज की प्रशंसा कर। आप कहिए, आप इस टेलीविजन चैनल पर बैठकर कहिए। अरे किसी राजनीतिक दल को प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है। आप क्या चाहते हैं? सरकार दाना सही करे और लोग सड़क पर जाए, प्रियंका गांधी न जाए। अरे यही कहने का, प्रियंका गांधी जाए, जानकारी होनी चाहिए। प्रियंका गांधी क्यों, सोनिया गांधी जाए? श्वेता जी, प्रियंका गांधी क्यों, सोनिया गांधी जाए? लेकिन पहली बार जब आवाज सुनिए तब जाए, भी जाए, मालदा भी जाए। अरे छोड़िए कि प्रियंका गांधी नहीं बोला था। आपको अपनी राजनीति पार्टी पार्टी भर रही है, आपको राजनीति चमका रही है, राजनीति चमका रही है। जानकारी और बाहर लंगाव के क्यों नहीं गई? उन्नाव में यह केस दर्ज नहीं किया गया था, जलाया गया। तो ये दोष किसका? सरकार का। मनोज जी, मनोज जी, मनोज जी, मनोज जी, मनोज जी, मिर्ची लग रही है। सच हमेशा कड़वा होता है, सच हमेशा कड़वा होता है। डाइजेस्ट नहीं हो रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा। छोड़ूंगी नहीं आज, आज आज नहीं छोड़ूंगी। राजनीति करने बैठे हैं ना, तो आज तो नहीं। एक मिनट श्वेता, श्वेता मैं एक तिवारी, एक बार एक सारे लोग यहाँ बैठे हैं, सारे सारी पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं। कभी भी जुडिशियल सिस्टम का रिव्यू करने की कोशिश की? कोई नहीं। श्वेता जी, कोई नहीं। कैसे व्यवस्था पे लोगों का भरोसा है? और वो अदालतें जो हैं वो क्या काम कर रही है? क्या उनके पास जजेस हैं उतने? और सर, अपने 70 साल राज किया, पवन जी, पवन जी 27 साल, सुनील जी, सुनील जी, सुनील जी, सुनील जी, भवरी भवरी देवी का जरा जिक्र कीजिए। भवरी देवी का लोगों को तो इस बात को कहना चाहिए कि भाई अगर कांग्रेस वहां नहीं जाती, प्रदर्शन नहीं करती, वहां लोग नहीं जाते। मनोज जी आप प्रश्न करते कांग्रेस, मनोज जी हम कह रहे हैं, मनोज जी यही हालत है, कांग्रेस पार्टी की यही हालत है, इसमें दिक्कत है, यही हालत है। मर चुकी है, खत्म हो चुकी है पार्टी, खुद अपने अस्तित्व की तलाश करने पहुंची है प्रियंका गांधी वोडा। सुन नहीं सकते, धैर्य नहीं है इनमें। वहाँ क्यों नहीं जाती, सिर्फ उन्नाव क्यों जाती है? सिर्फ आप इसका जवाब देती है। राजनीति करने वाले लोग 24 घंटे में 15-16 घंटा जनता के तैयार नहीं। और अगर किसी चीज के ऊपर संज्ञान लिया तो इसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए, इसकी तो शाबाशी देनी चाहिए। आप उसका विरोध कर रही मुखौटा उतार रही हूँ, शिवम त्यागी का भी और मनोज तिवारी का भी। यहाँ मुखौटा दोनों का उतरेगा, एक जंगल राज है और एक अपनी राजनीति चमकाने। रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई है, आप लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, मानसिक रूप से। अरे प्रियंका गांधी क्यों चली गई? इसने मनोज जी माफ कीजिए, किसने बोला, किसने बोला? डोंट कोट, डोंट कोट योर वर्ड्स, डोंट कोट योर वर्ड्स। ये काम हमारा है प्रियंका, यू आर कोटिंग, यू आर कोटिंग सर, यू आर कोटिंग। क्यों गई, क्यों गई, किसी ने क्यों गई, किसी ने? मैंने कहा कि वो ये नो नो, आपने नो, अ बिग नो, अ बिग नो। आज क्यों गई, आज क्यों गई, मेरा सवाल है आज क्यों? उन्नाव की घटना कब हुई? आज क्यों? उन्नाव की घटना कब हुई? दिसंबर 2018 की। कल दिसंबर 2018 था, आप बाइक उठा के देखिए, प्रियंका गांधी ने कल बोला था। आपसे क्वेश्चन है, क्या प्रियंका गांधी अभी हैदराबाद भी जाएंगी? क्या प्रियंका गांधी हैदराबाद अभी हैदराबाद जाएंगी? क्या हुई है ना प्रियंका गांधी? मनोज जी को आज बोल के भेजा गया है, छाती चौड़ी करके रहना। प्रियंका गांधी पहुंची है और हमें मार्केटिंग करनी है, और शिवम त्यागी को बोल के भेजा गया है कि ये कहना कि चुप रह गया है। शिवम त्यागी को बोल के भेजा गया है कि भाई चुप रहना, ये कहना हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। अरे खड़े करके गोली मारो, श्वेता मारो गोली, श्वेता दोनों कह दीजिए। मुझे मौका देंगी, मुझे लगा क्योंकि आप मेरी जगह से खुद ही जवाब दे देते हैं तो नंबर नहीं आता ना, बोलने का। अब मैं चिल्लाऊंगा, चिल्लाऊंगा, मैं भी सकता हूँ, पर इसका कोई लाभ है? आप बताइए मुझे क्या सवाल पूछने। मैं आपको पॉइंटेड सवाल का पॉइंटेड जवाब देता हूँ, बताइए मुझे आपका सवाल। और कुलदीप सिंह सेंगर, देखिए एक ऐसे ये दो नाम
कबूल कर चुके हैं, चिन्मयानंद ने तो कबूल किया है ना, मैं गलत नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं, तो क्या होना चाहिए सर? क्या न्याय व्यवस्था में फिर से लोगों की आस जागे? इसमें तो पार्टी को आगे आके कहना चाहिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट इनका वहां सुनवाई हो रहा है, 6 महीने में जो आएगा वो होगा। लोगों को कम से कम भरोसा तो लगे कि सरकार कुछ कर रही है। जवाब दे देता हूं, कुलदीप सेंगर पार्टी में है क्या, पूछ लीजिए। नहीं है, कुलदीप सेंगर पार्टी में नहीं है ना, जेल में है। हाँ, जेल में है। ट्वीट आप छोड़िए ना, आप कार्रवाई देखिए, कार्रवाई देखिए। कुलदीप सेंगर अगर नहीं हो जेल में तो बात है। देखिए, फिर चिल्लाना शुरू कर दिया, फिर चिल्लाना शुरू कर दिया। वन लाइनर लेके आते हैं, तय करके बोलना क्या है? चिल्लाने से कोई लाभ नहीं है, चिल्लाने से कोई लाभ नहीं है। कुलदीप सेंगर जेल में है कि नहीं है? कुलदीप सेंगर जेल में है कि नहीं है? है कि नहीं है? सीधा बताइए, है कि नहीं है? अतुल राय जेल में है? बताइए। प्रियंका जी, अतुल राय कॉलेज जानते हैं आप? अतुल राय कॉलेज जानते हैं आप? भंवरी देवी के केस में जिनको विधायक बना दिया, जानते हैं आप? कहिए उनको आप। कुलदीप सेंगर जेल में, भेजिए बाकी सबको भी जेल में। जेल कमाल की बात है, अरे भेजिए ना जेल में, चाहे कोई भी हो, किसी की भी पार्टी में हो, जेल भेजिए उसको। ये तो सरकार को संज्ञान, भेजिए ना सरकार को संज्ञान में क्या? देखिए, शकील चौधरी को हिदायत बनाओगे और जेल भेजोगे नहीं तो कैसे चलेगा? देखिए, आपको जो चाहिए कहना है कहिए। बहस में अगर आप जवाब चाहते हैं तो यही है कि देखिए, और लोगों से बेहतर काम किया है, चीजें और बेहतर करने की जरूरत है, लेकिन मुझे इसमें कोई राज्य की जरूरत नहीं है, देश में पूरे प्रॉब्लम है, चाहे कहीं भी। कार्यकाल में 56,000 बलात्कार, ये आप देखिए, आप कह रहे हैं कि बहुत बेहतर काम किया है, बेहतर काम तो किया है, 11 महीने के अंदर मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतना। अब ये कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं साल में हो रहे हैं, आप भूल गए भंवरी देवी हत्याकांड, आप भूल गए रेप और भंवरी देवी हत्याकांड, बताइए ना, आप भूल गए अतुल राय? वक्त की कमी है तो अब फाइनल कमेंट चाहूंगी। प्रियंका राणा, सुना उनका कहना यह है कि हम किसी से संतुष्ट नहीं है, सरकार हो या प्रियंका गांधी पहुंच गई मिलने के लिए, परिवार संतुष्ट नहीं है, होना क्या चाहिए? फाइनल कमेंट चाहिए मुझे कि यहां बैठे मनोज तिवारी और शिवम त्यागी सुने कि ये चाहिए लोगों को और इस पर कैसे काम किया जा सकता है। बहुत दुखद है और जिस तरह की राजनीति हमारे देश में चलती है तो कम से कम इन मुद्दों को तो छोड़ दीजिए, ये बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं। महिलाएं, हर किसी के घर में माँ बेटी बहन सब है, आज उसके घर पे हुआ है, कल आपके भी घर पे हो सकता है, तो कम से कम इन मुद्दों को लेकर के एकजुट होकर के काम कीजिए। ये इसमें सामाजिक सबकी जिम्मेदारी बनती है, मैं ये नहीं कहती सिर्फ आपकी पार्टी की जिम्मेदारी बनती है। एक पार्टी के टेन्योर में एक कांड होता है तो दूसरे कैंडल लेकर के खड़े हो जाते हैं, लेकिन आज समय आ गया है, सब लोग एक साथ आइए और इस पे कोई अच्छा कोई ठोस कदम उठाइए जिससे कि हमारे घर की माँ बेटी नहीं तो फिर हम जंगल राज की तरफ जा रहे हैं। हमें यही लगेगा कि जंगल राज ही सही है, उठा बंदूक और मारो, जंगल राज ही हो चुका है। शकील चौधरी, फाइनल कमेंट चाहूंगी। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से 42,000 से ज्यादा आंकड़ा महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न बलात्कार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में योगी सरकार को सोचना होगा कि वह अपना दामन कैसे पाक साफ रखे और किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा करें, बेटियों को बचाए, किस तरह से भय और डर कायम हो, कम से कम पुलिस जो है महिलाओं को जो है भयमुक्त होना चाहिए कि हमारा कोई इस तरह की घटना ना हो जाए। लड़कियां औरतें घर से बाहर निकलते समय सोचे कि मैं किसी लास्ट पॉइंट्स कि डिस्कस आपका ये सोच पाए, शिवम त्यागी भी कह पाए अपने हेडक्वार्टर जाकर और मनोज तिवारी भी कह पाए। श्वेता, सारी राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी के लोग बैठे हैं, सारे पार्टियों की अधिवक्ताओं से संबंधित एक विंग होती है और मुझे आज तक इतनी वर्षों से इतने रेप के मामलों में मुझे कहीं सुनाई नहीं दिया कि किसी राजनीतिक पार्टी ने अपनी अधिवक्ताओं की विंग या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या प्रदेश लेवल पे पीड़ित महिला के साथ खड़ी की हो। आपने देखा होगा तमाम सरकार को गिराने और बचाने में बड़े बड़े अधिवक्ता लग जाते हैं। निश्चित तौर से जहां घटना हो रही है, ये घटना हो जाने के बाद और फिर जब कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं रहता है तब आप राजनीति करोगे, उससे अच्छा तो ये है कि जब घटना हो रही है उसके साथ कंधे से कंधा मिला के उसी सेकंड से उसी सब से आपको खड़ा रहना चाहिए, मेरा मानना है। चलिए,
तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। शिवम त्यागी और मनोज तिवारी के पास मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि सर सुनने की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है। देश की आधी आबादी ना मांग कर रही है सर, और संभल जाइए, मैं बार बार कह रही हूँ संभल जाइए। जिस दिन औरत बेकाबू हुई ना, चंडी और काली का रूप धारण किया, तो उस दिन आप भी सोचेंगे कि कहाँ कमी रह गई थी, कैसे ये मासूम सी दिखने वाली औरतें आज इस तरह से चंडी दुर्गा देवी का रूप लेकर आगे बढ़ रही हैं। थोड़ा सा संभल जाइए और राजनीतिकरण मत कीजिए, देश की आधी आबादी के लिए आवाज उठाइए। देखिए सर आंखों पर बिठाएगी महिला आपको। फिलहाल आप सब मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए आर9 टीवी, खबरों का सिलसिला जारी है। एक बेटी जो न्याय मांग रही थी, हमसे न्याय नहीं दे पा रहे, आज फिर एक बार हार हो गई। या तो इन लोगों को फांसी दी जाए या तो इन लोगों को दौड़ा करके गोली मारी जाए।